गूगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरिनाम का बीज बोने का सर्वोत्तम मौसम कौन सा है? जैसे हम फसल बोते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उनका एक मौसम होता है। हरिनाम का बीज बोने का सबसे उत्तम मौसम कौन सा है? देखिए, वैसे तो मैंने इसका जिक्र पहले किया है कि गुरु साहब का फरमान है, गुरु नानक देव जी महाराज का, कि मुँहों की बोलन बोलिए जी सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नौ वड्याई विचार। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 विद्वान लोग कहते हैं, लेकिन 4 से 5 का सुबह अमृत वेला, जो रिंकू भाई साहब भी कोशिश कर रहे हैं उल्हासनगर में, तो उन्होंने अपना मिशन चलाया हुआ, तो वो सबसे उत्तम है। लेकिन इसके अलावा भी एक मौसम है। मैंने इसका जिक्र कहीं किया था कि अगर आप एडवांस बो दें तो भी फसल ज़्यादा नहीं होती है, और देर से बोएं तब भी नहीं होती है। मौसम कौन सा है? मौसम है सदमे का, दर्द का, चोट का, गरीबी का। ये मौसम देख लीजिएगा। देखिए, दर्द, चोट, सदमा, निराशा और गरीबी, इनको कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि लोग सुख चाहते हैं, ईश्वर से सुखी सुख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, कामयाबी मांगते हैं, शादी मांगते हैं, अच्छा हस्बैंड, अच्छी पत्नी, अच्छी संतान, ये सब नाम मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं, और इसी में हम लोग लगे रहते हैं सारा जीवन, मांगते मांगते चले जाते हैं संसार से। अब मैंने इसका जिक्र किया था, डॉक्टर साहब की रिलेटिव थी उसके बारे में, अब पता नहीं क्यों मेरे मन में फिर से आया कि लोग ज्यादा पीछे जाना पसंद नहीं करते। जो नए लोग हमसे जुड़े हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप दुख में हैं, अगर आप कष्ट में हैं, हाँ ये अलग बात है कि न तो बहुत घोर कष्ट में, दुख में उसका नाम जपा जा सकता है, और ना ही बहुत सुख में जपा जा सकता है। सुख में आपके पास फुर्सत नहीं होती है, और दुख में तकलीफ आपको जपने नहीं देती है, मन एकाग्र नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपके पास विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। तो अगर आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, कुछ सदमा आपको पहुंचा है, डिप्रेशन आ गया, मन उदास हो गया है, निराश हो गया है सबकी तरफ से, या इतने गरीब हो गए, मैंने इसकी एग्जांपल दी थी क्या प्रसाद की यूपी में, कोई पूछता नहीं है, रिश्तेदार सब छोड़ गए हैं, तो वो जिसको हमने भुला दिया उसका नाम जपा करो, उससे प्रार्थना किया करो। या कितने लोग हैं जो लिखते भी हैं कि उन्होंने शुरू किया है तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। संदेह के साथ मत किया करो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यह अलग बात है कि जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो पहुंच जाएंगे। यह प्रोसेस है, जपना है, सुनना है, माफियां मांगनी है, सेवा करनी है, हर वक्त उसका नाम मन में लेते रहना है, खाना बनाते हुए, काम करते हुए उसका नाम जपते रहना है, लेटने की जब तक नींद नहीं है उसका नाम जपते रहना है। लेकिन अगर आप कष्ट में हैं तो आपके पास तो और कुछ करने को है ही नहीं। जैसे कुछ लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं, तो इस चक्कर में पीजीआई गया था, तो अब वो जो मरीज है, मान लो वो एडमिट है या वो घर में पड़ा हुआ है, हफ्ते में एक बार आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो दिन भर क्या करता है? दिन भर वो चिंता करता है, सोचता रहता है, या तो बच्चों के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, अपनी मृत्यु के बारे में, तरह तरह के विचार उसके मन में आते रहते हैं, तो उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। दवाई आपने सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेनी होगी, हफ्ते में या 3 दिन में आपने अस्पताल जाना होगा, तो ये टाइम अच्छा, रिश्तेदार आते रहते हैं पता लेने के लिए, खबर लेने आते हैं, उनका तांता लगा रहता है, तो मरीज और डर जाता है कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरा अंतिम समय निकट ही आ गया होगा। ऐसा मैंने अक्सर लोगों के घरों में देखा है। तो उस जो तमाम आवागमन है लोगों का, बल्कि उससे बचिए, उनसे कहिए कि भाई डॉक्टर ने मना किया है, जब थोड़ा ठीक हो जाएंगे तब आप आइएगा। तो ये समय यूटिलाइज करें, सबसे बढ़िया मौसम यही है। जब मैंने कहीं जिक्र किया है, द्वार द्वार स्वान जो डोलत नहीं सुधराम भजन की, कुत्ते की तरह पूछ लाता फिरता है, जगह जगह दरवाजे, दर दर पे ठोकरें खाता घूमता है, नहीं छोड़ दो,
वो जो सबसे बड़ा डर है, बस उस पर जाना शुरू करो, उसे माफिया मांगना, उसका धन्यवाद करना, उसका नाम जपना शुरू करो, बाकी लोगों से तो बातचीत ही बंद कर लो। तुमने देख लिया ना, यहां कोई किसी का नहीं है, को काहू को ना, यहां कोई किसी का नहीं है, वही जो सबका है, जिसको हमने भुला दिया लेकिन उसने हमको नहीं भुलाया। हो सकता है कि हम बिगड़े हुए बच्चे हों, हमको इस तरह से बाह मरोड़ के, कान मरोड़ के, इतना कष्ट दे के अपने पास बुला रहा हो, हमसे प्यार करता हो, और अगर उस कष्ट की वजह से, उस सदमे की वजह से, उस गरीबी की वजह से आप ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, जो सबसे बड़ा विकल्प है, तो यह समझ लीजिए कि आपने सही टाइम पे अपना जो बीज है, नाम का बीज है, हरि नाम का बीज बोना शुरू कर दिया है। इसकी फसल बड़ी जबरदस्त आएगी, इसके फल बहुत देर तक आते रहेंगे, आप सोच नहीं सकते कितनी कमाई करने लग गए आप। तो जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, दुख दारू सुख रोग भया, तो ईश्वर ने दया करके आपके दुख को दवा बना दिया, जबकि सुख तो रोग बन गया था, सुख की वजह तो हम ईश्वर के नाम से टूट गए थे, वही सबसे बड़ा रोग है कि ईश्वर के नाम से ही अलग हो गए। परमेश्वर दे पुल्या व्यापन सभ्य रोग, ये मैंने पहले कहा हुआ है। तो जो नए लोग बाद में जुड़े हमारे पास, हमारे साथ, और वो पीछे जाके नहीं देख पाते हैं, उनके लिए ऐसे मुझे विचार आया कि मैं शुरू करूं। तो ये सबसे अच्छा मौसम है हरिनाम का बीज बोने का, जब आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, परेशान हैं, पीड़ा में हैं, सदमे में हैं। मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, या अत्यंत गरीबी है, अति हो गई गरीबी की, सब साथ छोड़ गए, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभे हो साथ। गुरबाणी में तो सारे जवाब ऐसे दिए हुए हैं खोल खोल के, लेकिन हमारे पास हम तो सिर्फ मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहब को, वहां भी लोग थोड़ी देर बैठते हैं 10-15 मिनट, देखता रहता हूं लोगों को, तो उनको जल्दी होती है, बाहर जाकर गप्पे मार दी उन्होंने, लंगर खाना है, लंगर हॉल में ज्यादा भीड़ होती है और दीवान हॉल में लोग कम होते हैं। इवन संक्रांत के दिन या गुरुपर्व के दिन मैंने देखा है, और गुरुद्वारे के प्रबंधकों को अक्सर अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि भाई सब लोग यहां आके बैठो, ये दुर्भाग्य है। तो सब कुछ बताया हुआ है खोल खोल के, ऐसी चोटें मारते हैं, इतनी दुहाइयां दी हुई हैं कि आप दंग रह जाएंगे। कभी वो भी शेयर करेंगे ईश्वर ने कृपा की, गुरु नानक देव जी की वाणी, कबीरदास जी की, रविदास जी की, महाराज की, नामदेव जी की, अरे सभी की, कमाल है। तो कभी शेयर करेंगे जब ईश्वर आशीर्वाद दे के बैठाएंगे और खुद बुलवाएंगे, अभी भी वही बुलवाते हैं मुझे, तो मैं बार बार कहता हूं मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये मौसम है, इसको जाने मत दें, क्योंकि जब ये कष्ट का समय चला जाएगा तो फिर आप उसी दुनियादारी में लग जाएंगे, उसी भाग दौड़ में, चूहा दौड़ में, फिर तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी आपको। अब है टाइम, तो उसने आपके दुख को, पीड़ा को, उस सदमे को, उस गरीबी को दवा बनाया है, और फिर भी अगर हम मूर्ख उसके पास जाने के बजाय दूसरों के दर दर पर ठोकरें खाते रहेंगे, पूंछ लाते घूमेंगे, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, ना समझ कौन होगा। तो कोशिश करिएगा, जो लोग बहुत दुखी हैं, मेरी उनसे हमदर्दी है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर कोई रास्ता निकाले उनके लिए, उनका कष्ट हर ले, जैसे भी उनके भाग्य प्रारब्ध के मुताबिक, उनके कर्मों के मुताबिक, मेरी हमेशा प्रार्थना रहती है ईश्वर से, क्योंकि सिखिज्म मांगता ही सर्वत का भला है, और ये गुरु नानक देव जी महाराज का मार्ग है। तो दुख में देखिए, कबीरदास जी का है और ये गुरबाणी में भी आता है, तो गुरबाणी में अलग ढंग से दिया हुआ, लेकिन जो हिंदी का दोहा है कबीरदास जी का कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमरण करें दुख काय को होए। तो अगर दुख में घिर गए हो चारों तरफ से, तो बजाय छटपटाने के, शिकायतें करने के, रोने पीटने चिल्लाने के, हताश होने के, नाम जपना शुरू करो। मुश्किल है मुझे मालूम है, लेकिन और कोई चारा नहीं है। ऑपरेशन होता है, क्या कुछ होता है हमारे साथ, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन हम झेलते हैं ना, प्लास्टर लगा देते हैं, कितनी देर में खुलता है, कष्ट झेलते हैं ना। तो इस कष्ट में भी बजाय चिल्लाने के, हाय हाय करने के, वाहेगुरु वाहेगुरु, हरिओम तत्सत, अल्लाह अकबर, ओम नमः शिवाय, ओम श्री अंजनाय नमः, गायत्री मंत्र है, गॉड इज ग्रेट, यही कहते रहें। अगर और कुछ नहीं कह सकते तो उसका धन्यवाद करते रहें। अगर आपके घर में ऐसा माहौल है तो फिर हम तो शब्द डाल रखे, उनको डाउनलोड करके निरंतर कान में लगा के सुने, रात को रिपीट पे लगा के सो जाएं, चलने दें उनको लगातार, अपने अचेतन को सुनने दें, तो आप इस दुख की घड़ी में, इस कष्ट में, इस सदमे के दौरान भी, जब मौसम है हरिनाम का बीज बोने का, इस गरीबी के दौरान भी वो कमाई कर लेंगे जो शायद पता नहीं कितने जन्मों तक आप कर ना पाते। इस जन्म में तो आप भूल ही जाइए, पता नहीं कितने जन्मों तक ना कर पाते, लेकिन ईश्वर ने विधि बना के वो मौसम
आपके सामने रखा हुआ, उस मौसम में आपको फंसाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम ना जप पाए और जप के सुन के, सुनना ये बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता रहता हूँ, गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, सुने दुख पाप का नाश, ईश्वर का नाम सुनने से दुखों पापों का नाश हो जाता है, हमारे पास हजारों सबूत है इसके, तो इसको गवाइएगा मत। अब ये चला गया तो सब व्यर्थ हो गया, फिर अब क्या दूसरे सदमे को इंतजार करेंगे, बाकी लोग तो नहीं जप पाते हैं क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो ये बहुत कीमती समय है, हरिनाम का बीज बोने का ये सबसे उत्तम सर्वोत्तम मौसम है, इसको जाया मत करिएगा। मेरी सब लोगों से प्रार्थना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मालिक किसी तरीके से आप लोगों के कष्ट हरे, लेकिन ये सर्वोत्तम तरीका है, इसको तो छोड़िए ही मत, ये नींव है हमारी, ये आधार है, बाकी कोशिश आपने करनी है कर लीजिए, क्योंकि कमी हम में है, हम जप नहीं पाते उस तरह से समर्पित होकर एकाग्रता से विश्वास के साथ में, क्योंकि विश्वास तो पहाड़ को हिला देता है, फेथ इतनी बड़ी चीज है, और यहां हमने फेथ किस पे करना है, ईश्वर के नाम पे, उसके नाम की ताकत पे, मालिक पे, अल्लाह पे, गॉड पे, वाहिगुरु पे, उसके दर पे उससे बात करनी है, तो कैसे रास्ता नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता रहता हूं, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप अगर ईश्वर का नाम जपने लग जाएंगे तो आपको मृत्यु नहीं आएगी, जितनी आप सांसों की पूंजी लेके आए हैं उतनी सांसें लेके सबको जाना, सब गए हैं, राजा हो, रंक हो, महापुरुष हो, अवतार हो, गुरु हो, संत हो, सबको जाना पड़ता है, ये तो सिस्टम है, इटर्नल सिस्टम है ईश्वर का, कुदरत का, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आप कमाई कर लेंगे, आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी राहदारी बन जाएगी और आपका कष्ट जा सकता है, और मान लीजिए आप में कमी रही, आप सही ढंग से नहीं कर पाए, तो फिर दूसरे विकल्प जिनमें एडिशनल सपोर्ट्स के बारे में मैंने कहा, उसकी भी कोशिश साथ में कर लें, लेकिन यहां श्रद्धा से, आस्था से, समर्पण से, विश्वास के साथ में जपना और सुनना है, वरना मैंने बार बार कहा है कि मैकेनिकल एक्सरसाइज हो जाएगा, तोता रटन हो जाएगा, आप लगे रहें, मन आपका है नहीं, भागा हुआ है, विश्वास भी नहीं है आपको, आस्था भी नहीं, कुछ नहीं, बस साइकिल को स्टैंड पे लगाओ, पैडल मार रहे हैं, पहिए घूम रहे, पहुंचे हैं कहीं भी नहीं। तो इसके साथ साथ जो सदाचारी होना है, सत्यपरायण होना है, ईश्वर के भाव में रहना है, दया करनी है, किसी का बुरा नहीं करना, निंदा चुगली नहीं करना, कोई नशा मांसाहारी नहीं होना है, इन सब से भी बचना है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी नंबर मिलने, उनका भी फल मिलता है। तो अगर इधर हम लगे रहे ईश्वर का नाम जपने, उधर कुछ खुराफात करते रहे, तो फिर बराबर हो गया हिसाब, सब निकल गया, निरर्थक हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल टिलों चैनल जो तुहाडा जीवन बदल सकता है, जिवें हुण तक बहुतेरियां दा जीवन बदल चुका है। मंगल टिलों चैनल, ऑल इन वन।